हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो ये देखें, यहाँ पे सारे गमले में पेंटिंग हो रहा है। सब में पौधा लगाया गया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, सब में पौधा लगाया गया है। तो सब गमले में जो है पेंट सब खराब हो गया था, तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए सब में पेंटिंग किया जा रहा है और सबको रेड कलर और वाइट से किया जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे रेड रेड रखा हुआ है ना, बहुत और अच्छा यहाँ लग पे रहा है, फ्रेंड्स बहुत प्यारा देखिए, लग मेरे रहा है। हस्बैंड जो है मिट्टी में खाद डाल रहे हैं। तो पौधों में, सारे पौधे में मिट्टी को खोद करके उसमें खाद मिलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप पौधे के, अगर आप में से कोई शौकीन होंगे ना, तो आपको ज़रूर पता होगा कि इसमें कितना मेहनत करना पड़ता है। पौधे लगाने सिर्फ नहीं होता है, उसे देख रेख करते रहिए और अच्छा भी लगता है। जब पौधे खिले खिले होते हैं तो कितना अच्छा लगता है देखने में, समझिए। उस आदमी जुड़ जाता है, सुबह शाम जो है उसको देखते रहिए किसी में क्या कमी है क्या नहीं। तो ये सब करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, ठंडी के मौसम में तो और मज़ा आता है पौधों को देखने में, रंग बिरंग का फ्लावर जो है खिला रहता है। और यहाँ देख लीजिए, देसी अंदाज में जो है यहाँ पे शेविंग किया जा रहा है, बोरा पे बैठ करके, आराम से धूप में बैठ करके जो है शेविंग हो रहा है। तो ये है मेरे हस्बैंड जी का स्टाइल। फ्रेंड्स, अभी नाश्ता में यहाँ बन रहा है मेथी का पराठा। तो फ्रेंड्स, ठंडी के मौसम में मेथी के साग बहुत मिलते हैं, तो आप ज़रूर बना करके इसे यूज़ कीजिए। डेली हो सके तो आप खाइए पालक मेथी, बहुत फ़ायदेमंद होता है मेथी। मेथी से आपका पेट साफ़ रहेगा, कब्ज़ ठीक करता है और वज़न घटाने में भी बहुत काम आता है। मेथी पराठा, बैंगन की सब्जी, गाजर का हलवा, ब्लैक गाजर का हलवा है, आम का अचार। क्या है? क्या आपको पता भी नहीं है? क्या खोलिए, खोल कर देखिए। हमको पता है लेकिन बताएंगे नहीं। आपका शर्ट है? अरे, अब्बी का शर्ट है, सरप्राइज। खोल के तो देखिए। ए, मारेंगे ना, एकदम चुपचाप से खोलने दो। मुक्का हो गया, कुमकुम मुक्का हो गया, आप संभाल रहे। देख रहे हो ऐसा क्या करती है? पहन लीजिए। सरप्राइज। आप तो सच में मान लिए, मजा आ गया। लेकिन ना करूं, कुलसुम को तरस आ गया, तुरंत बोल दिया आपका नहीं है। कैसा है कपड़ा इसका? डेनिम का था? हाँ, डेनिम है, पतला वाला है, गर्मी का बहुत अच्छा है। सुनो ना, हो जाएगा। इतनी मोटी नहीं है। आप तो इतना जा जा कर ले रहे हैं मॉल में, बाप रे, भरमार। तुम पहन के देखो कुलसुम, माँ बेटी सबका साइज एक ही है। तो फ्रेंड्स, इनकी तो चल रही है छुट्टी, लेकिन घर में इनको मन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं मार्केट जाने का। तो अभी कुछ पेंट कम पड़ गया था फ्लावर पॉट में करते करते, तो उसे लेने जा रहे हैं मार्केट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा है मेरा स्मूदी। 1.5-2 घंटे बाद, नाश्ता के बाद जो है स्मूदी ले लेते हैं। इसमें बहुत जो मन वो सब्जियाँ मिला करके अपना ले लीजिए, तो बहुत ही फ़ायदा करता है स्मूदी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने स्मूदी में ना बीट रूट और पालक तो ज़रूर मिलाती हूँ, और बाकी का सब्ज़ी जो है कुछ रहता है, कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन ये दो चीज़ ज़रूर मिलाती हूँ,
क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है पालक। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, आपने देखा कि पूरा सुबह से जो रूटीन है डेली का वो चलता ही रहता है, डेली, एक दिन का नहीं है। तो अभी जो है हस्बैंड को छुट्टी मिला हुआ है और बच्चों को भी आज से छुट्टी मिल गया है, 2-3 दिन का है, बीच में संडे भी है। तो छुट्टी के दिन में ऐसे भी ऐसा दिन गुजरता है ना फ्रेंड्स कि पता नहीं चलता है, उन लोगों के पीछे लगे रहिए और काम और दिन दोनों का पता नहीं चलता है कि कब काम हो रहा है और कब सुबह से शाम हो रहा है। तो बस करते जाइए और करते ही जाइए। तो अभी हस्बैंड गए हैं मार्केट और अभी बच्चे आ गए हैं, तो चलते हैं अभी खाना खाएंगे और बस सुबह से चलते हैं, साथ खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आ गए हैं किचन में शाम को चाय बनाने, तो बन रहा है यहाँ पे चाय, गर्मा गर्म चाय चलेगा शाम का। तो फ्रेंड्स ठंडी के मौसम में खाना खाने में थोड़ा लेट होता है, 2 बजे बच्चे आते हैं उसके बाद खाना खाते हैं तो 2:30 बज जाता है। तो अभी शाम में कुछ खाने का वैसा मन नहीं करता है कि कुछ खाएं, और ऐसा नहीं है कि डेली का ये है, कभी मन भी कर जाता है। तो अभी कुछ वैसा मन नहीं है, तो पानी पियेंगे। इधर देखें गर्म हो गया है, तो गर्मा गर्म पानी और चाय। गर्मा गर्म कड़क चाय का प्याला, आयशा का फेस जो है गिरा पड़ा है क्योंकि इनको खाना है तीखा, कुछ तीखा चाहिए। क्या चाहिए आयशु? वो बादाम का पकौड़ा चाहिए आयशु को, है ना बेटा? घर का कि बाहर का? पानी भी जो है 3 बार पीना चाहिए, 3 बार। चाय शाय हो गया है, उसके बाद जो है अब चलते हैं किचन में, लगेंगे खाना पीना बनेगा। पहले सब धो लेते हैं, सब्जी सब ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको धो करके किचन को थोड़ा खाली करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे।